नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी जानी मानी शख्सियत और खासकर नॉर्थ ईस्ट करावल नगर विधानसभा के लिए हर घर में जिनका नाम चलता है, जिनकी इज्जत सम्मान से हर व्यक्ति जिनका नाम लेता है, श्री राम कॉलोनी वार्ड से पूर्व पार्षद, और पार्षद तो मुझे मानना है कि बहुत छोटी सी उनका परिचय है, जिस तरह से जनता के बीच में कोरोना के दौरान एक एक घर तक पहुंचकर, चाहे वो लोगों को अस्पताल ले जाने की बात हो, चाहे वो लोगों को सेवा करने की बात हो, राशन पहुंचाने की बात हो, उन सारे मामलों में नंबर वन रहे हाजी आस मोहम्मद जी। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने हाजी जी से पूछा कि हाजी जी, ये फैसला कैसे लिया आपने? बोले कि पिछले कई सालों से मैं पब्लिक में जब भी घूमता था तो लोग कहते थे कि आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ज्वाइन करिए। तो बोले मैं पब्लिक से पूछता था, क्यों कहते हैं आप ऐसा? तो बोलते थे, पब्लिक कहती थी कि यार, उन्होंने स्कूल में बड़े अच्छे काम किए, अस्पताल के अंदर बड़े अच्छे काम किए, बिजली हमारी 24 घंटे आती है, बिजली फ्री आती है, और ऐसा लगता है कि सरकार नहीं बल्कि कोई एक बड़ा भाई है जो उनके लिए खड़ा है, एक एक ऐसा व्यक्ति जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या आए, कोई संकट आए, तो उससे संपर्क कर सकते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आस मोहम्मद जी दो शब्द मीडिया के सामने मुताबिक हो, अपने मीडिया के सामने दो बात अपनी रखें। हाजी जी, नमस्कार सब साथियों को। मेरा नाम हाजी आस मोहम्मद, पूर्ण निगम पार्षद। काफी समय से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, तब मैं लोगों की भावनाएं देखता था, सुनता था, केजरीवाल जी के कामों को देखता था, तो मेरे मन में भी ये बात आती थी, अब हम लोगों को केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अच्छे काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, लोग उनके काम को सराह रहे हैं, तो क्यों ना हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक कह रही है जी, अब की बार MCD में भी कांग्रेस सरकार बन, आम आदमी की सरकार बन रही है, तो आप क्यों ना आम आदमी से जुड़ जाइए और केजरीवाल जी का साथ दीजिए। आप जो विकास कहोगे वो विकास होगा, जो आप जनता के बीच में जाकर केजरीवाल के हाथ मजबूत करेंगे, तो हम ने फिर यही फैसला लिया कि वोट को ख़राब ना करके केजरीवाल के आदेशों पर पालन करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है के भारी मतों से आम आदमी के जो कैंडिडेट हैं वो भारी मतों से जीत कर आएंगे और MCD में केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आजी जी, और आपके आने से ना सिर्फ करावल नगर बल्कि मुस्तफाबाद, सीलमपुर और इन सारे क्षेत्रों में जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की मजबूती और बनेगी। इनके साथ इनकी पूरी टीम, हाजी यूनुस जी, जरूर भाई, ज्ञान भाई तो हमारे पुराने साथी हैं, नाजिम भाई जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हैं अभी कांग्रेस पार्टी में, फिरोज अंसारी साहब यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, महफूज आलम साहब सोशल मीडिया का काम देखते हैं, और खुर्शीद भाई जो कि सोशल वर्कर हैं, ये सारे लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाजी जी को देकर उनको आम आदमी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करो। हाजी साहब, और पिछले कई सालों से मैं तो कई बार मिला हूं, बहुत सारी ऐसी मीटिंगें हुई हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जब भी कोई फैसला ले, एक ऐसा यज्ञ है, एक ऐसी हवन है, एक ऐसा
अच्छा काम है कि जब भी कोई फैसला ले वो फैसला सही होता है। बीजेपी लगातार पोस्टर्स जारी करती है जिसमें कि सरकार की तरफ से आज आपने भी पोस्टर जारी किया है, तो किस तरह का नैरेटिव आपको एमसीएम सुनाते हैं? मुझे लगता है मैं एक्चुअली एक दिन आज मैंने किसी बीजेपी के एक नेता मिल गया मेरे को रास्ते में, मैंने कहा ये आप लोग इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, क्यों ऐसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। तो चूंकि इनफॉर्मल बातचीत थी, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा देखो दुर्गेश जी 15 साल से हम लोग एमसीडी में हैं, हमारे पार्षदों ने कोई घर कोई गली कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां से पैसे की उगाही नहीं की है, कोई ऐसा घर गली मोहल्ला नहीं है जहां पे कूड़ा पड़ा ना हुआ हो, तो ऐसे में हम किस मुद्दों पे बात करेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है एमसीडी चुनाव को लेकर, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, तो कभी पोस्टर निकलेगा कभी होर्डिंग निकलेगा कभी कुछ निकलेगा कभी कुछ और नहीं निकलेगा, कभी किसी की आवाज निकल जाएगी कभी किसी की आवाज निकल जाएगी, तो ये सब तो चलता रहेगा अगले 10-12 दिन, बिकॉज इनके पास कोई जवाब देने का समय है नहीं, और जनता में ही मुझे लगता है दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन और एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। कोई और वैसे प्रश्न? आपने आह्वान दिया था एलजी साहब को चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी ने तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, उनका नाम नहीं है, हाँ वो और आज दफ्तर नहीं, सील हुआ है बीजेपी की नीति का। पहला प्रश्न क्या था? पहला तो प्रश्न यही था कि उनका नाम नहीं है, दूसरा एलजी साहब ये चुनाव कि नहीं उन्होंने लड़ेंगे। कार्रवाई की है बीजेपी का दफ्तर इसी का सील। नहीं मुझे लगता है अगर एलजी जी तैयार हो तो हम लोग इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे कि अगर 1-2 दिन नॉमिनेशन का डेट खाली हो, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, बहुत पॉपुलर आदमी है वो, एक बार ट्राई तो करें। दूसरा तीसरा मैडम ये कि आम आदमी पार्टी और एलजी का जिस तरीके से फाइट चल रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे जगह कि कहाँ तक चले जाएंगे? ये तो वो मुझसे पूछे कहाँ तक जाना चाहते नहीं, हैं, आप लोगों का एक एक्सपेक्टेशन हम क्या तो कुछ कह ही रहता नहीं रहे, हम तो बेचारे बैठे हुए हैं, हमें तो मारा जा रहा है, आपको पूछना है कितना मारना है नहीं मारना है, हम तो सहेंगे जब तक चल रहा है, दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, अब आप तो उनसे पूछिए जो काम रोक रहे हैं उनसे पूछिए कि कहाँ तक वो रोकना चाहते हैं, काम तो हम करेंगे वो कितना भी रोक लो। थैंक ठीक है? यू थैंक यू जी। फॉर टू। दुर्गेश जी मेरा सीधा सवाल ये है कि जब विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है तो इधर से जवाब विक्टिम कार्ड जैसा क्यों आता है? मतलब इसका क्या जवाब जवाब आपने देना है। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाता है विपक्ष, भाजपा में कोई नहीं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों आता है कि चुनावों के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है? भाई? देखिए जैसे मान लीजिए आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपके पास सारी पावर है आपके पास सारी ताकत है, अगर आप आरोप लगाओगे तो थोड़ी गड़बड़ बात है, आपके पास तो पावर उठा के बंद कर दो हमारे को, नहीं समझे? अब आप आरोप लगा रहे हो इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हो, नहीं समझे? समझ गए? आपके पास पावर है, आप हमें अगर हमने कुछ गलत किया है तो विक्टिम कार्ड उठा उठा के बंद कर दो हमारे को जेल में, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स करोगे तो फिर तो इसका मतलब कि आप गड़बड़ कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है। बैठ हमारे साथ डॉक्टर सोना जी हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, जाइए बैठिए आइए। बैठो बैठो, दोबारा आपका स्वागत करवा रहे हैं। अभी एक 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 मिनट एक मिनट मिनट, आइए अच्छा। बैठिए। हमारे साथ मेरी अपनी विधानसभा राजेंद्र नगर से डॉक्टर सोना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत मेहनत करती हैं, क्षेत्र में बहुत नाम है, और मैं जहाँ भी क्षेत्र में जाता था लोग कहते थे कि डॉक्टर सोना जहाँ कहेंगे हम तो वहीं वोट देंगे, तो ऐसी डॉक्टर सोना जी आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, मैं इनका बड़ा स्वागत करता हूँ, और बड़ा चूंकि मेरी खुद की विधानसभा से हैं डिस्ट्रिक्ट में और बाकी जगहों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रही हैं तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो डॉक्टर साहब का मैं पूरा स्वागत करता हूँ आम आदमी पार्टी में, और हमारा जो प्रतीक चिन्ह है ये देखकर मैं डॉक्टर साहब का भी स्वागत करता हूँ। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।
फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 Delhi NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 Delhi NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 Delhi NCR।